राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री एवं राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन श्री प्रद्युमन सिंह उर्फ कप्तान बाबू की उपस्थिति में राजाखेड़ा विधानसभा के 32 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया गया। राजस्थान में दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उन्हें जीवन यापन में सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण एक सराहनीय प्रयास है। वहीं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पिछले वर्ष भी हमने अपने विधायक कोष से 56 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की थी। कांग्रेस सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और सहानुभूति से वंचितों और कमजोर वर्गों की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। राजाखेड़ा से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी आज 25 बांटी जा रही है, 32 मंजूर हुई है। 7 का वो ऑनलाइन कुछ रह गया है, वो भी कंपनी के लोगों ने कहा कि हम उनको भी अभी दे रहे हैं, तो आज जो करीब करीब 32 बढ़ जाएंगी। जिला धौलपुर को 67 बैठी है, 32 राजाखेड़ा क्षेत्र को मिली है, 67 बढ़ जाएंगी। और ये गहलोत साहब की बहुत शानदार योजना है, आज दिन तक किसी विकलांग की तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं गया था। एक स्कूटी की कीमत 1 लाख रुपए की स्कूटी है, और वो भी मैं हेलमेट के, मैं रजिस्ट्रेशन और मैं पेट्रोल भरवा के लोगों को दी गई है। इससे बेहतरीन योजना कोई हो नहीं सकती दिव्यांगों के लिए।